हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 1 क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों, ये असेसमेंट वर्कशीट है जो आपके लिए 21 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें आपको कुछ यहाँ पे सम दिए गए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 120 एंड 360, यानी 120 को आपको 360 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा। बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। मैंने जब इसको किया तो मेरा आंसर आया 43,200। तो ए में इसका सी जो है मेरा राइट आंसर हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट इज 5,550, इफ़ वन नंबर इज 25 देन द अदर इज। तो यानी टू नंबर है, एक नंबर मान लीजिए एक्स है, इसको जब हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया ये। अब हमें एक्स का यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 5,550 को हम इसको इधर लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 222, बी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राउंडिंग ऑफ करना है 5,763 को नियरेस्ट टेंस में। तो नियरेस्ट टेंस में करना है तो हम वंस प्लेस वाली वैल्यू देखेंगे, तो वंस प्लेस पे क्या है, 3 है, तो नियरेस्ट 0 के हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 5760, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 85,642 को नियरेस्ट 1,000 में करना है। 1,000 के लिए हम क्या देखेंगे, 100 प्लेस पे जो वैल्यू है उसको देखेंगे, 100 प्लेस पे है 6 किसके जो है नियर होता है 10 के, तो एक आगे बढ़ जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, 86,000 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन नंबर रोमन न्यूमरल डी। तो बच्चों, रोमन न्यूमरल डी जो है वो किसके इक्वल होता है, 400, 600, 500 या 1,000, तो ये डी होता है 500 के इक्वल, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द रोमन न्यूमरल ऑफ 24 इज, 24 किसके इक्वल होगा, रोमन न्यूमरल 24, देखिए 20 के लिए एक्स एक्स और 4 है तो क्या हो जाएगा 5, ये 5 हो गया और इसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो ये हमारा ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ 25 एंड 0। तो बेटे आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राउंडिंग करना है आपको 844 टू द नियरेस्ट 100। तो 800 में नियरेस्ट 100 में करना है तो आपको 4 देखना पड़ेगा, 4 नियरेस्ट 0 है, तो 0 है तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज रोमन न्यूमरल सी एम डिनोट। तो रोमन न्यूमरल जो सी एम है वो क्या डिनोट करता है, तो सी एम किसके लिए होता है, एम होता है 1,000 के लिए, सी होता है 100 के लिए, तो 1,000, अब देखिए सी एम, तो एम ये 1,000 में से आपको 100 माइनस करना है। लेफ्ट हैंड की तरफ हम हमेशा माइनस करते हैं, राइट हैंड की तरफ हमेशा प्लस करते हैं, तो 1,000 में से 100 माइनस करा तो आपने कितना आया, 900 आया, तो सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन डिवाइडिंग 11,100, ठीक है, इसको देखिए आपको 1,111 दिया गया है, तो इसको आप जो है डिवाइड करना है 11 से, तो आंसर क्या आएगा वो आपको लिखना है। तो इसको करोगे तो बच्चों इसका आंसर आपका 101 आएगा, तो आंसर क्या आया 101, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।